स्टूडेंट, मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है और आज हम लोग स्किजोफ्रेनिया का लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में स्किजोफ्रेनिया के पैथोजेनेसिस और इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके हैं और ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक है। और इसके अलावा नर्सिंग, जीपैट, नाइपर के और सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्किजोफ्रेनिया को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट पैथोजेनेसिस काफ़ी ब्रॉड वे में मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स, जैसा कि हमको पता है, 3 तरह के मेन साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और कॉग्निटिव डिफेक्ट। तो पॉजिटिव साइन जो होता है वो डोपामाइन मीजोलिम्बिक पाथवे, जो कि VTA और वेंट्रल स्ट्रिएटम, वेंट्रल ट्रिग्मेटल एरिया और वेंट्रल स्ट्रिएटम, इन दोनों के बीच का होता है। VTA और वेंट्रल स्ट्रिएटम जो होता है ब्रेन के सेंटर में, मिड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ के पार्ट्स होते हैं और यहाँ पे डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। इस पाथवे को डोपामाइन मीजोलिम्बिक पाथवे कहते हैं। तो जब ये बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, पॉजिटिव सिम्टम्स दिखेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं ये पेशेंट्स को स्लो नहीं करते, डिप्रेस नहीं करते, बजाय इसके कि उसको थोड़ा सा एक तरह से एक्टिव रखते हैं या इन्वॉल्व रखते हैं, सही टर्म है। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, थॉट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर। ऑलरेडी मैं इनको डिस्कस कर चुका हूँ, फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। हेलुसिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल, ऐसे साउंड सुनाई देना जो प्रेजेंट नहीं हो, तो फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होना विदाउट एनी रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है बट फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो रहा होगा, तो इस कंडीशन को हेलुसिनेशन कहेंगे। डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉजिक। तो डिल्यूजन में क्या होता है, आपको फिक्स्ड फॉल्स बिलीव हो जाता है और उसको लॉजिक के थ्रू सही नहीं किया जा सकता। डिल्यूजन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इलिटरेट लोगों की भी, और यहाँ स्किजोफ्रेनिया में तो ये काफ़ी वर्स सिचुएशन में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CIA स्पाइंग ऑन यू, तो CIA आपको स्पाई कर रहा है, अब ये आपको अगर बिलीव हो गया तो इसको कोई लॉजिक से समझा नहीं सकता। थॉट प्रोसेस में डिसऑर्डर या थॉट डिसऑर्डर क्या होता है, थॉट्स एंड कन्वर्सेशन अपियर इलॉजिकल, लैकिंग इन सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, ठीक है, इलॉजिकल रहेगा और सीक्वेंस भी नहीं रहेगा। जैसे आप खाना खाने जा रहे हैं, आपको भूख लगी है, उस वक्त आपके थॉट प्रोसेस में आने लगे कि रोनाल्डो कब संन्यास लेगा, आपका खाना खाने से, आपके पर्सनल खाने से दूर दूर तक रोनाल्डो या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के संन्यास का या उसके गेम का कोई लेना देना नहीं है, बट आप इस वक्त खाना खाने जा रहे हैं तो ये थॉट प्रोसेस इलॉजिकल है आपके दिमाग में सडन आना और आपका इन पे कंट्रोल भी नहीं रहता। तो एक तरह से थॉट प्रोसेस में डायरिया हो चुका रहता है और अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस आने लगते हैं ब्रेन में, जो इलॉजिकल और उनमें आपस में कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इसके बाद मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर में मूव करने में बॉडी को दिक्कत होती है, स्लो हो जाती है बॉडी, ब्रेडीकाइनेसिया टाइप के सिम्टम्स या एकाइनेसिया टाइप के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, जिसमें ब्रेडीकाइनेसिया मतलब स्लो हो जाना, एकाइनेसिया मूव ही नहीं करना। हम चाहें, ये पैरालिसिस नहीं है, हम चाहते मूव करना लेकिन बहुत समय लगता है, सोचना पड़ता है। चलिए इसके बाद निगेटिव सिम्टम्स, निगेटिव सिम्टम्स में क्या होगा, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा मीजो कॉर्टिकल पाथवे में, ये भी वेंट्रल ट्रिगमेंटल एरिया और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच का पार्ट है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके ब्रेन के फोरहेड आगे का हिस्सा है और VTA बीच में होता है। तो इन दोनों के बीच में डोपामाइन का लेवल कम हो जाने से निगेटिव सिम्टम्स, और इन्हीं के वजह से आगे कॉग्निटिव सिम्टम्स भी दिखेंगे। तो निगेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, रिड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस वाया फेसियल एक्सप्रेशन और वॉइस, तो वॉइस और एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं, हमारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और वॉइस में इमोशंस नहीं रहते। रिड्यूस फीलिंग ऑफ प्लेजर, तो प्लेजर की फीलिंग नहीं होती, कुछ भी अच्छा होगा तो प्लेजर का सेंसेशन या इमोशंस नहीं आएगा।
डिफिकल्टी बिगनिंग एंड स्टार्टिंग एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को बिगन करने, चाहे छोटी से छोटी एक्टिविटी क्यों ना हो, उसको बिगन करने और उसको परफॉर्म करने, सस्टेन करने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं पेशेंट्स में। डिक्रीज कन्वर्सेशन, वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है पेशेंट किसी से भी, उसको अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो लॉजिकली क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर सकता है। फिर कॉग्निटिव सिम्टम्स, ये भी मीजोकॉर्टिकल पाथवे में डोपामाइन का लेवल कम होने से होगा, जिसमें निगेटिव सिम्टम्स आ रहे थे उसी की वजह से। कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या होगा, उसका लॉजिकल अप्रोच बहुत ही वीक हो जाएगा, वो चीज़ों में ज़रा सा भी लॉजिक नहीं लगा पाएगा, या बहुत छोटी से छोटी बात को या घटना को या किसी भी सिचुएशन को, चीज़ों को समझने में हल्का सा जो लॉजिकल अप्रोच चाहिए वो जनरेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए, वो बाथरूम में नल को खोलने के लिए क्या करना है, और नल खोलने के बाद पानी भर जाएगा तो नल बंद करना है या नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीज़ों में जो हल्का सा लॉजिक लगता है वो उतना एक बच्चे के बराबर भी लॉजिकल अप्रोच वो डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगा। चलिए स्टूडेंट, ईटियोलॉजी डिस्कस करते हैं। ईटियोलॉजी में आपको क्या देखना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जानना। जिन पेरेंट्स में स्किजोफ्रेनिया डायग्नोस होता है उनमें 10% चांसेस होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, जो सन और डॉटर हैं या उनके जो प्रोजेनी हैं, उनमें क्या कहा जाता है, 10% चांसेस होता है स्किजोफ्रेनिया होने के। बट अगर कोई फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है पेरेंट्स में तो सिर्फ 1% चांसेस है। केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन, ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाए, जिसको ऑलरेडी हम लोग पैथोजेनेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक फैक्टर, रिसर्चर्स ने क्या सजेस्ट किया कि बहुत सारे डिफरेंट जीन होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं रिस्क को, लेकिन कोई अब तक सिंगल जीन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है जिसमें डिफेक्ट या म्यूटेशन की वजह से स्किजोफ्रेनिया होता हो। लो न्यूट्रिशन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में मदर का न्यूट्रिशन लेवल लो होने पे बच्चों में स्किजोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो न्यूट्रिशन में भी वाइटामिन डी, फोलिक एसिड और आयरन मेन है, तो अगर इनका इम्बैलेंस है मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आप लिखिएगा, मैं शॉर्ट नोट्स में इसको लिखा नहीं हूँ, तो क्या होता है बच्चे में जो बेबी बॉर्न होता करता है उसमें स्किजोफ्रेनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सपोजर ऑफ वायरसेस, वायरसेस का एक्सपोजर ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्थ, पार्चुरेशन में थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी के टाइम पे अगर प्रॉब्लम हो जाए। साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर है, या रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से नहीं, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी एडोलसेंस में, क्योंकि आपको पता होगा कि ये स्मॉल एज ग्रुप में या प्यूबर्टी में ज़्यादा होता है, 30 से कम एज के बच्चों में, और बच्चे नहीं कहना चाहिए, एडल्ट में, और 14 के बाद के प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। सोशल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे पर्सन्स में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में, एडल्सेंस में, प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है। ड्रग इंड्यूस स्किजोफ्रेनिया भी होता है, ड्रग रिलैप्स स्किजोफ्रेनिया को, जो कि दबा हुआ है, जो अपने आप हो करके सही हो गया था, उसको बढ़ा देता है, उभार देता है, एलएसडी, मेरिजुआना, स्टेरॉइड, बहुत सारे राइटर, बहुत सारे जो क्रिटिकल थॉट प्रोसेस वाले पर्सन होते हैं वो इन ड्रग्स को, एलएसडी, एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, एक तरह से हीरोइन का ही एक सब्स्टिट्यूट है, इसको नशे के लिए लिया जाता है। कोगनोसी के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो एलएसडी, मैराजुआना, स्टेरॉयड, ये सारी दवाएं ब्रेन को अफेक्ट करती है, स्किजोफ्रेनिया की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। कई लोग इसको सोचते हैं कि इससे उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ रही है, बहुत सारे लोग, बट ये सही नहीं है, ये ब्रेन को डैमेज करता है, स्किजोफ्रेनिक बनाता है, जो फैक्ट है। कॉम्प्लिकेशन, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो बहुत ही सीवियर लेवल के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, जैसे निगेटिव थॉट एंड सुसाइडल टेंडेंसी। चूंकि आपको पता है कि 1% पॉपुलेशन यानी कि 100 में से एक अफेक्टेड होता है अपने एज ग्रुप में कभी ना कभी स्किजोफ्रेनिया से, और सुसाइड का भी
रेशियो सुसाइड का भी प्रिविलेंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं रिसर्च ये प्रूफ करता है कि जो लोग भी सुसाइड करते हैं किसी भी वजह से, उनमें ज़्यादातर लोग, या आई थिंक 20% to 30% लोग स्किजोफ्रेनिक रहे होते हैं अपने किसी एज ग्रुप में या ड्यूरिंग सुसाइड। तो सुसाइडल टेंडेंसी और निगेटिव थाट को बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, सेल्फ इंजरी को बढ़ा देगा, ब्लेड से अपने बॉडी को डाइसेक्ट करना, कहीं भी ब्लेड से कट करना, इन सारी चीज़ों को और खुद को पेनफुल कंडीशन में ले जाना, ये सारी चीज़ें बढ़ा देगा। एंग्जाइटी डिसऑर्डर को बढ़ा देगा, एंग्जाइटी में रहेगा पर्सन हमेशा, छोटी बड़ी हर बात पे उसको एंग्जाइटी होगी। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, किसी खास पर्सन सिचुएशन या किसी खास कंडीशन को लेकर के, किसी फूड को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के पर्सन ऑब्सेसिव हो जाता है, और अगर वो चीज़ उसको ना मिले, जैसे खाने में किसी खास फूड को लेके आप ऑब्सेस हो गए, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप बहुत वायलेंट और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, अपने आप को हर्ट करेंगे, दूसरों को हर्ट करेंगे। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शो करता है। डिप्रेशन, बहुत ही लंबे समय तक तो स्किजोफ्रेनिक रहने वाले लोग बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो जो इमेजिन करते हैं हेलुसिनेशन डिल्यूजन, वो जब नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनएबिलिटी टू वर्क और परफॉर्म टास्क, तो अपना परफॉर्मेंस, अपना वर्क परफॉर्मेंस करने में दिक्कत होना। एलएसडी का फुल फॉर्म मैंने लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड लिख दिया। तो ये स्किजोफ्रेनिया का पार्ट 2 था, स्किजोफ्रेनिया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेक्चर, दैट इज़ डिप्रेशन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ फिर वही बात मैं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, रियल में बताइए कैसा लगा, और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प करिए। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, कि मेरे सारे वीडियो आप चाहें तो, अगर आपको लगता हो कि, हालांकि मैं बहुत ही कंसाइज बना रहा हूँ, फिर भी आपको लगता हो कि थोड़े लेंदी हैं, तो आप 1.5 या 1.25x स्पीड पे ले जा करके वीडियो को देख सकते हैं, और साथ में नोट्स बनाइए। ओके, चलिए, थैंक यू।